दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। चुनाव के लिए 26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले 18 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे। नगर निगम की मौजूदा मेयर शैली ओब्रॉय का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस साल मेयर की सीट अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई है। ऐसे में पार्टियों में मंथन जारी है। दिल्ली में MCD का चुनाव BJP बनाम कांग्रेस आप गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस के 9 पार्षद हैं। दरअसल MCD का चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता था, तो रियाजा सबसे अधिक पार्षद उसी के हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में पार्षद, दिल्ली के सभी लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और 14 विधायक वोट डालते हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या 134, 3 सांसद, 13 विधायक, 1 निर्दलीय समर्थन में है, जबकि BJP के 104 सदस्य हैं, 1 निर्दलीय का समर्थन है। दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सांसद उसके हैं, 1 विधायक और 10 मनोनीत सदस्य का समर्थन है। अगर आप और कांग्रेस में गठबंधन होता है तो संख्या बल और ज्यादा होगा, क्योंकि कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 9 है।